गर्मियों के दिन थे। सूरज अपनी छटा बिखेर रहा था। सब कुछ सुनहरा और सुंदर दिखलाई पड़ रहा था। टिड्डे ने जी भरकर भोजन किया और प्रसन्न होकर गाना गाने लगा। तभी उसने देखा कि कुछ चींटियां भोजन इकट्ठा कर अपने घर ले जा रही हैं। उसने अपनी दोस्त चींटी से पूछा, तुम लोग कितनी लालची हो? खुशियों के सुहाने मौसम में भी काम कर रही हो? मुझे तो तुम पर तरस आता है। चींटी ने कहा, मेरे दोस्त, हम लोग आने वाली सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद सर्दियों के दिन आ गए। भोजन की कमी के कारण टिड्डे को भोजन मिलने में कठिनाई होने लगी। अंत में वह भूखमरी की कगार पर जा पहुंचा। तब थक हार कर वह अपनी दोस्त चींटी के घर पहुंचा तथा उससे कुछ भोजन की मांग की। इस पर चींटी ने कहा, देखा मित्र, तुमने गर्मियों के दिनों को गाने में बिता दिया, अब सर्दियों में नाच करो। चले जाओ, मैं तुम जैसे आलसी को कुछ भी नहीं दे सकती। यह कहकर चींटी ने अपना दरवाजा बंद कर दिया। उपदेश, आलसी दुखी रहते हैं। बंदर और बिल्लियां। दो बिल्लियां थी। एक दिन उन्हें एक रोटी मिली। रोटी को खाने के लिए वे आपस में लड़ने लगी। दोनों उसे अकेला खाना चाहती थी। झगड़े को सुलझाने के लिए दोनों एक बंदर के पास गईं। बंदर बहुत चालाक था। उसने रोटी के दो टुकड़े कर दिए। एक टुकड़े को बड़ा और दूसरे को छोटा कहकर वह उनमें से बड़े टुकड़े को खा गया। उसने बचे हुए टुकड़े के दोबारा दो टुकड़े किए। उसने फिर से बड़ा टुकड़ा खा लिया। इस तरह वह पूरी रोटी खा गया। दोनों बिल्लियां यह देखकर हैरान हो गईं। वे पछताने लगीं। वे बंदर की चालाकी समझ गईं। उन्होंने आगे से आपस में झगड़ा नहीं करने का फैसला किया। शिक्षा, हमें कभी भी आपस में नहीं झगड़ना चाहिए। सुनो कहानी, दो आलसी। गर्मी के दिन थे और दोपहर का समय। दो आदमी सुबह सुबह आए और आम के पेड़ के नीचे सो गए। धूप पत्तों से छन छन कर उन पर पड़ रही थी, फिर भी वे नहीं उठे। जहां थे वहीं पड़े रहे। दोनों के बीच में एक पका आम टपका, सुनहले रंग का। एक ने दूसरे से कहा, दोस्त, जरा यह आम उठाकर मेरे मुंह में डाल दो, देखूं तो कैसा है। दूसरे ने कहा, अरे कैसे उठूं, कुत्ता मेरा मुंह चाट रहा है, पहले तुम इसे हटा दो। उधर से एक ऊंट वाला जा रहा था। पहले आलसी ने पुकारा, ओ ऊंट वाले भाई, जरा इधर आना। ऊंट वाला भला था, वह आया, पूछा, क्या है? अरे भाई, यह आम उठाकर मेरे मुंह में डाल दो। अच्छा, इसी के लिए तुमने मुझे इतनी दूर से बुलाया था? बगल में पड़ा आम भी तुमसे उठाया नहीं जाता। बड़े आलसी जान पड़ते हो। आलसी की मदद तो भगवान भी नहीं करता। और तुम कम आलसी हो, जो इतनी दूर आकर भी इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते, पहला आलसी बोला। ऊंट वाले ने कहा, जो हाथ पैर नहीं हिलाता, उसका भला भगवान भी नहीं करता। यह कहकर ऊंट वाला चला गया। आम दोनों के बीच पड़ा रहा। दोनों आलसी किसी का इंतजार करते रहे। दुष्ट बगुला। तेज गर्मी पड़ रही थी।
तालाब का पानी सूखता जा रहा था। उस तालाब में बहुत से मछलियां रहती थी। इसी तालाब में एक दुष्ट बगुला भी रहता था। उसने अपनी भूख मिटाने का एक नया उपाय सोचा। वह साधु का वेश बनाकर तालाब के किनारे बैठ गया। वह उदास दिख रहा था। मछलियों ने उससे पूछा, मामा क्या बात है, तुम दुखी दिखाई दे रहे हो? मैं तुम्हारे लिए चिंता कर रहा हूँ। हमारे लिए चिंता? भला क्यों? देखो, तालाब का पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। गर्मी बढ़ रही है। पानी के बिना तुम भला जीवित कैसे रहोगी? तो फिर आपने क्या उपाय सोचा मामा? मछलियों ने घबरा कर कहा। मैं तुमको बचाना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें बचाने का एक उपाय सोचा है, बगुला बोला। क्या? बगुला कहने लगा, थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ा तालाब है। मैं अपनी चोंच में पकड़कर तुम सबको एक एक करके वहां छोड़ आऊंगा। हम तुम पर कैसे विश्वास कर लें? तुम हमारी भलाई की बात भला क्यों सोचोगे? दुष्ट बगुले ने चाल चली। उसने सीधा साधा बनते हुए कहा, तुम ऐसा करो, एक मछली को मेरे साथ भेज दो। मैं उसे वह बड़ा तालाब दिखा लाऊंगा। तुम उसी से पूछ लेना। यदि तुम्हें विश्वास हो जाए तो तुम एक एक करके मेरे साथ चले चलना। मछलियां बगुले की बातों में आ गई। एक मछली बगुले के साथ चल दी। बगुला चोंच में दबाकर उसे बड़े तालाब तक ले गया। तालाब से लौटकर उस मछली ने बड़े तालाब का गुणगान अन्य मछलियों के सामने किया। मछलियों को बगुला ठीक ठाक लगा। अन्य मछलियां भी उसके साथ चलने को तैयार हो गई। अब बगुले का काम बन गया। वह प्रतिदिन उस छोटे तालाब से एक मछली ले जाता और रास्ते में चट्टान के पास बैठकर उसे मारकर खा जाता। हड्डियों को वहीं फेंक देता। इस प्रकार उसने तालाब की सारी मछलियां खा डाली। चट्टान के पास हड्डियों का ढेर लग गया। तालाब में केवल एक केकड़ा बचा था। अब बगुले की नजर उसी पर थी। बगुला ने उससे चलने को कहा। केकड़ा चालाक था। वह बोला, मैं तुम्हारी चोंच में दबकर नहीं चल सकता। मैं तुम्हारी गर्दन पर बैठकर चलूंगा। बगुले ने मन में सोचा, यह केकड़ा बड़ा चालाक बनता है। इसे मैं रास्ते में देखूंगा। बगुले ने उसकी शर्त मान ली। केकड़ा बगुले की गर्दन पर सवार हो गया। जब बगुला चट्टान के पास पहुंचा, तब केकड़े को हड्डियों का ढेर दिखाई दिया। वह बगुले की चालाकी समझ गया। केकड़े ने बगुले की गर्दन में अपने डंक गड़ाने शुरू कर दिए। बगुला दर्द से चिल्ला उठा। केकड़े ने बगुले की गर्दन को दबाकर सदा के लिए खत्म कर दिया। इस प्रकार दुष्ट बगुले को उसकी करनी की सजा मिल गई। जैसे को तैसा। एक समय की बात है कि एक बूढ़ा आदमी किसी गांव में से चला आ रहा था। अचानक उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज एक झोपड़ी में से आ रही थी। गीत की धुन बड़ी मीठी और प्यारी थी।
बूढ़ा आदमी काफी देर तक खड़ा खड़ा सुनता रहा। फिर उसने झोपड़ी के भीतर झांक कर देखा, एक छोटी सी लड़की गा रही थी। बूढ़े आदमी ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और उसे सोने की एक मोहर दी। लड़की का पिता मोहन पास ही खड़ा था। उसकी बांछें खिल गईं। उसे स्वप्न में भी ऐसी आशा नहीं थी। उसने झट लड़की से मोहर छीन ली। उधर जैसे ही बूढ़ा आदमी वापस जाने के लिए मुड़ा, मोहन ने चिल्लाकर कहा, अरे ठहरो, जाते कहां हो, बकाया तो चुकाते जाओ। बूढ़े आदमी ने मोहन की ओर बड़ी हैरानी से देखा। मोहन बोला, देखो बाबा, मेरी बच्ची के गाने का मजा लेने का मोल बस एक सोने की मोहर नहीं, इसकी 10 मोहरें लगती हैं, 9 मोहरें और निकालो। बूढ़े आदमी को यह समझते देर न लगी कि हो ना हो यह आदमी धूर्त है, पर अनजान बनते हुए उसने कहा, गाने में कोयल को भी मात देने वाली लड़की के भाग्यशाली पिता, मुझे अफसोस है कि इस समय मेरे पास और मोहरे नहीं है। कोई बात नहीं, मोहरे नहीं है तो अपनी टोपी और सोने की जंजीर देते जाओ, मोहन ने कहा। बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ हाँ, टोपी तुम्हारे सिर पर होनी ही चाहिए जिसमें इतना तेज दिमाग है, और गले में जंजीर भी। लेकिन मेरे भाई, यह टोपी और जंजीर बड़ी घिसी पिटी है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें टकसाल से अभी अभी निकली नई और खरी सोने की 100 मोहरे दूंगा, और हाँ, जो मोहर मैंने अभी दी है वह भी पुरानी है, थोड़ा खोट भी है उसमें, तुम उसे भी लौटा दो और चलो मेरे साथ। 100 मोहरे? तुम सचमुच कोई भले आदमी हो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। कितनी दूर है तुम्हारा घर? 1000 कोस हो तो भी मैं 100 मोहरों के लिए वहां तक चल सकता हूँ। मोहन खुशी से पागल हो रहा था। अरे भाई, 1000 कोस की नौबत नहीं आएगी, बस 3 कोस ही चलना होगा, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। मोहन ने बूढ़े आदमी को वह सोने की मुहर लौटा दी और फिर वह उसके पीछे पीछे चलने लगा। मोहन चला जा रहा था, उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। एकदम उसके मुंह से निकला, बाबा जानते हो 100 मोहरों से मैं क्या करूंगा? नहीं तो, बूढ़े ने उत्तर दिया, मैं एक महल खड़ा करूंगा, ऐसा शानदार जिसके सामने राजा का महल भी पानी भरे। अच्छा, यह बात है। और मैं राजा से कहूंगा कि वो अपनी बेटी मुझसे ब्याह दे। लेकिन तुम्हारा तो ब्याह हो चुका है, एक बच्ची भी है तुम्हारी। तो क्या हुआ, मैं एक और ब्याह कर लूंगा, लेकिन इस बार तो किसी राजकुमारी को ही वरूंगा। वाह भाई वाह। चलते चलते वे नगर में राजा के महल के पास पहुंच गए थे। बूढ़े आदमी को महल के सिंह द्वार की ओर जाते देख मोहन ने पूछा, तुम उधर क्यों जा रहे हो, ये तो राजा का महल है। हाँ हाँ, यह मेरा ही घर है, बूढ़े ने कहा। मोहन ने चौंक कर ध्यान से बूढ़े की ओर देखा, वह एकदम पहचान गया, बूढ़ा और कोई नहीं, नगरी का राजा ही था। भेष बदला होने के कारण वह पहले नहीं पहचान सका था। मोहन को काटो तो खून नहीं, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। यह देखकर राजा ने नम्रता से कहा, गाने में कोयल को भी मात देने वाली लड़की के पिता, तेरी बेटी के गाने से मुझे 2 पल के लिए आनंद आया, इसके बदले में 100 मोहरों का वायदा करके
क्या मैंने तुझे घड़ी भर का आनंद नहीं दिया? तुम्हारी बेटी के मीठे कंठ स्वर ने मुझको खुश किया और मेरी मीठी बात ने तुमको। खुशी के बाद तुम्हारे लालच से मुझको निराशा हुई और यह उचित ही है कि तुम्हें भी खुशी के बाद निराशा मिले। अब जाओ, निकल जाओ यहां से। अपना समूह लेकर मोहन को वापस लौटना पड़ा। चले थे छब्बे बनने, दूबे भी ना रहे। अबू खां की बकरी। अल्मोड़ा में एक मियां जी रहते थे, नाम था उनका अबू खां। उन्हें बकरियां पालने का बड़ा शौक था। अबू गरीब थे, जब कोई बकरी भाग जाती तो अबू खां सिर पकड़कर बैठ जाते थे। हर बार यही सोचते कि अब से बकरी नहीं पालूंगा, मगर अकेलापन बुरी चीज है। थोड़े दिनों तक तो वे बिना बकरी के रह लेते, फिर कहीं से एक बकरी खरीद लाते। इस बार वे जो बकरी खरीद कर लाए थे वह बहुत सुंदर थी। उसके बाल सफेद थे, काले काले सींग भी बड़े खूबसूरत थे, सीधी इतनी कि चाहे तो कोई बच्चा भी दूध दुह ले। अबू खां ने प्यार से उसका नाम रखा चांदनी। उसके रहने के लिए एक खास जगह बनाई। उसके बीच में वे चांदनी को लंबी रस्सी से बांध कर रखते थे। अबू खां को लगा कि अब चांदनी कहीं नहीं जा सकती, मगर अबू खां धोखे में थी। चांदनी पहाड़ की खुली हवा को भूल नहीं पाई थी। चांदनी दिन पर दिन दुबली होने लगी। वह मैं करके चिल्लाती रहती। अबू खां जानते थे कि अगर यह पहाड़ पर चली जाएगी तो वहां भेड़िया इसे खा जाएगा। पहले भी कई बकरियों को खा चुका था, पर एक दिन बकरी रस्सी तुड़ाकर और लंबी छलांग लगाकर भाग ही गई। चांदनी पहाड़ पर पहुंची तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह पहाड़ी बकरियों के झुंड में मिल गई। रात का अंधेरा था। पहाड़ पर एक तरफ से आवाज आई, खूं खूं। चांदनी को भेड़िये का ख्याल आया। पहाड़ के नीचे से सीटी और बिगुल की आवाज आई। वह बेचारे अबू खां थे। वे कोशिश कर रहे थे कि सीटी और बिगुल की आवाज सुनकर चांदनी शायद लौट आए। उधर दुश्मन भेड़िये की आवाज आ रही थी। चांदनी के मन में अबू खां के पास लौटने का ख्याल आया। तभी उसे रस्सी और कांटों का घेरा याद आ गया। गुलामी से तो मौत अच्छी। भेड़िया जमीन पर बैठा था, उसकी नजर बकरी पर जमी थी। पहले तो चांदनी ने सोचा कि क्या लड़ूं, भेड़िया बहुत ताकतवर है, उसके पास नुकीले बड़े बड़े दांत हैं, जीत तो उसकी ही होगी। फिर उसने सोचा, ना लड़ना भी तो कायरता होगी। बकरी ने सिर झुकाया, सींग आगे को किए और पैंतरा बदला। वह भेड़िये से लड़ती रही लड़ती रही। बकरी यह खूब जानती थी कि वह भेड़िये को नहीं मार सकती, लेकिन मुकाबला जरूरी है। बिना लड़े हार मानना कायरता है। चांदनी ने भेड़िये पर एक के बाद एक हमला किया। भेड़िया चकरा गया। धीरे धीरे चांदनी की ताकत जवाब दे गई। वह बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ी। पास ही पेड़ पर बैठी दो चिड़ियों में बहस हो रही थी, कौन जीता। एक चिड़िया बोली, भेड़िया जीता। पर एक
बूढ़ी चिड़िया ने कहा, चांदनी जीती, अब आप फैसला करो कौन जीता।